हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल सत्या घरेलू नुस्खा में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज हम जो नुस्खा आपको बताएंगे, इसके प्रयोग से आपको हिस्टीरिया की परेशानी से निजात मिलेगी। फ्रेंड्स, हिस्टीरिया के मुख्य जो कारण हैं, उनमें मुख्य कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी पेट का साफ न रहना, यौना अवस्था का उन्माद और मानसिक कमजोरी। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि मरीज को जब दौरा पड़ता है तो उस समय मूर्छा जैसी महसूस वो करने लगती हैं। फ्रेंड्स, इससे निजात पाने के लिए हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिनका आप प्रयोग करके इससे निजात पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको ज़रूरत होगी अमरूद की कोमल पत्तियों की, तथा इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी ये जो आप देख रहे हैं सौंफ की, और एक जो चीज़ है हरड़ यानी हर्रे, ये बहुत ही पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए ये सब सामग्रियां बहुत ही लाभकारी हैं, और इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी काला नमक की। फ्रेंड्स, इसको कैसे आपको तैयार करना है, फ्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं। आपको ये करना है कि सौंफ आप लेंगे और उसको थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, हाफ चम्मच यानी आधा चम्मच लेंगे और पीस करके उसका पेस्ट आप तैयार कर लेंगे और एक क्लीन बाउल में इसको लेंगे। अब इसमें आपको ऐड करना है 2 पीस हरण यानी हर्रे, और उसको पीस करके ग्राइंडर कर लेना है और इस बाउल में आप इसको ऐड कर लीजिए। अब इसके बाद आपको जो करना है, ये अमरूद की पत्तियों का पेस्ट आप तैयार करेंगे और लगभग 2 चम्मच के आसपास इसमें आप ऐड करेंगे। अब इसमें आप मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यानी इतना मात्र आप काला नमक इसमें आप ऐड कर लेंगे, और इसमें आप पानी मिलाएंगे, थोड़ा सा आप पानी इसमें मिला लेंगे और इसको अच्छे से आप आपस में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये जो आपका घोल तैयार हो रहा है, इसको जो मरीज यानी जिस लड़की को ये परेशानी है उसको सुबह में खाली पेट इसको पिलाएंगे। फ्रेंड्स, इसका नियमित आपको उपयोग करना रहेगा, 1 सप्ताह में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसका पेट साफ रहेगा, उसको हिस्टीरियल प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। इसमें आपको ये करना है कि फ्रेंड्स, ये जो परेशानी होती है वो एक मानसिक दौरे की तरह से होती है। अगर जिसको दौरा पड़ रहा है तो जब उसको मूर्छा आ जाए उस समय उसके आँखों और चेहरे पर पानी के छींटे मारना अनिवार्य होता है, और उस मरीज को आप हवादार कमरे में ही सोने के लिए उसका बिस्तर लगाएं, तथा हो सके तो उसकी शादी समय से कर दें। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, समय से शादी हो जाएगी तो उसको हिस्टीरिया की बीमारी जो है उसकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, इन कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।